पीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। स्टूडेंट बात करेंगे आप एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर पास करने के बाद जो एचएसएससी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है तो उसको आराम से कैसे पास कर सकते हैं। अगर आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आप अगले मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कंप्यूटर साइंस और हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिसने भी स्टेट का पेपर दिया है तो उन सबको उम्मीद होगी कि किसको अंदर से भी पता होगा किसका पास होने वाला है किसका नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर आपका जो कट ऑफ स्कोर होता है उससे अगर हम ग्रेस भी लगा के चले तो किसी के अराउंड 3 to 4 मैक्सिमम इतना होगा, जिसके 3 to 4 कट ऑफ से कम पड़ रहे हैं तो वो उनके पास होने के चांसेस हैं। बाकी अपडेट होके आंसर की आएगी तब पता चलेगा। तो लेकिन जिनका भी पास हो जाएगा तो उनके मन में ये बात होगी कि अब आगे क्या होगा। तो अब आगे आपके लिए एक एचएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें उसको समझने के लिए हम पिछला जो पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का तो उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसमें स्क्रीन पर दे सकते हैं, इसमें जो आपका जो पेपर था इसमें पोस्ट स्पेसिफिक जो आपकी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन सेक्शन था तो उसमें क्या क्या आया था। तो C++ से आपके करीब 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मेनली रजिस्टर्स एरे और पॉइंटर के थे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बुलियन से आपके करीब 4 क्वेश्चन थे। ऑपरेटिंग सिस्टम से करीब आपका 1 क्वेश्चन आया था, क्रिप्टोग्राफी का 1। DBMS से करीब 5 क्वेश्चन आए थे, और हम एल्गोरिदम की बात करें तो उससे करीब 2 क्वेश्चन और डेटा स्ट्रक्चर से 3, नेटवर्किंग से 1, और जो आपकी मिसलेनियस जैसे आपकी ग्राफ थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इससे करीब 3 क्वेश्चन आए थे। मतलब आपके करीब 30 क्वेश्चन के करीब आपका सेक्शन आया था कंप्यूटर का। तो उसके अलावा जो आपका जो था ये इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, साइंस से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 4 क्वेश्चन, नेशनल जीके आपकी नेशनल और इंटरनेशनल मिला के आपके 9 क्वेश्चन, हिंदी से 5, मैथ से 8, और आपके हरियाणा जीके के 16। तो मतलब सीधा सीधा से देख के आप समझ सकते, और पेपर आपका ऐसे ही आएगा। इसमें आपके जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है उससे क्वेश्चन ना के बराबर बिल्कुल ना कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, आया तो इक्का दुक्का आ जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को देख के समझिए कि आपका जो अगली स्ट्रेटेजी होगी आपको फोकस पे करना, आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस सेक्शन पे। तो आप कंप्यूटर साइंस की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, जो आपने एस्टेट भी पास किया तो अपनी तैयारी अच्छी होगी, और आप उस तैयारी को अपनी बूस्टअप कीजिए अच्छे से, अपना दोबारा रिवाइज कीजिए सारे टॉपिक्स को, और जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो आप ज़रूर करिए। आपको अलग से एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपके सारे सेक्शन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए जिसको भी लगता है कि उसका एस्टेट पास हो जाएगा वो देर ना करते हुए आपको अपना स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि जितना लेट करेंगे आपके लिए नुकसान होगा। और आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपको स्कोरिंग पोर्शन है आपको वो देखना है, जो आपकी कंप्यूटर सेक्शन हो गया और आपका इसके साथ साथ आपका हरियाणा जीके। तो इन दोनों को आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना पहले से ही, क्योंकि इनमें ही अगर आप नंबर कटवाएंगे तो आपके लिए स्क्रीनिंग पास करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो जिसने भी तक तैयारी शुरू नहीं किया वो आराम से तैयारी करे, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए। अगर नोट्स चाहिए आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस के तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और जल्दी आपको बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों आप आराम से तैयारी करिए, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करीब करीब मार्च में या फिर मार्च के एंड में या फिर फरवरी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मतलब आपका जल्दी आपका री एड होके चांसेस यही है कि आपकी री एड वैकेंसी होके आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो। तो दोस्तों आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।